दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा करियर जॉब्स के YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वैकेंसी आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। जैसा आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें परमानेंट ये पोस्ट है और इसमें जो सैलरी है आपको UGC 7th पे कमीशन के आधार पर, यानी कि लेवल 10, यानी कि कम से कम 75,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। और आप इंडिया में चाहे किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप मीट करते हैं तो, हम अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है एडवर्टाइज्ड जो है यहाँ पर 2020 जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो 11 जून को ये आया था, तो यहाँ पर जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है ये एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। यहाँ पर जो है ये लास्ट डेट जो है 30 जुलाई 2020 दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एक्सटेंशन का लेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2020 तक जो है ये एक्सटेंड, यानी कि एप्लीकेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है 31 अगस्त 2020 तक। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन फीस क्या है, और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में देंगे, तो बने रहे हमारे। दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज शिक्षा करियर जॉब्स भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको सिलेबस की PDF एंड जो डिटेल्स है जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है ये एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2020 आप देख सकते हैं, ये एक्सटेंशन का लेटर 2/2020 डेटेड 11 यही है, 31 अगस्त तक जो है बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी प्रोफेसर डायरेक्टर की जो है लेवल 14, असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10, यानी कि यहाँ पे आप जो है सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पे स्केल आपको दिया जाएगा। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट की भी यहाँ पर वैकेंसी है। नाउ अब जो है हम यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं, फैकल्टीज ऑफ आर्ट, सोशल साइंसेज, इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड थियोलॉजी, वुमेंस कॉलेज, यानी कि यहाँ पर जो है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो एफिलिएटेड जो कॉलेज है उनमें भी ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट देख लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस वो एंड इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड पर्सियन सोशियोलॉजी एंड सुन्नी थ्योरी, इस्लामिक स्टडी, लिंग्विस्टिक, फिजिकल एजुकेशन। सो यहाँ पर जो है आप देखते रहिए कि किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर जो है वैकेंसी है। यहाँ पर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड वुमेन्स स्टडीज़। सो मैं यहाँ पर जो है वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दिखा देता हूँ, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ, जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके साथ। जो सेकेंड कंडीशन है आपका नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या जो स्लैट है या सेट है एग्ज़ाम आपका वो क्वालिफाई होना चाहिए, या अगर आपका नेट या स्लैट या सेट में से कोई भी क्वालिफाई नहीं है तो फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। तो PhD डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है PhD डिग्री की भी कुछ कंडीशंस है, PhD डिग्री आपकी रेगुलर मोड में होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस जो है मोड वाली जो PhD है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है आपके जो यहाँ पर जो है आपके जो थेसिस है वो पब्लिश हो जाने चाहिए। एंड यहाँ पर और काफ़ी सारी कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये तो था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब हम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख लेते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है मास्टर डिग्री के साथ साथ आपकी PhD जो है वो कंपलसरी है, एंड PhD के साथ साथ यहाँ पे 8 सालों का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो ये है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर मैं बता दूँ अगर आप SC ST OBC या दिव्यांगजन है तो मास्टर डिग्री जो 55% डिमांड की गई है उसमें 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि अगर 50% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 5% की छूट SC ST और OBC कैंडिडेट्स को दी जाएगी। अब हम जो है प्रोफेसर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफेसर के लिए जो है
मास्टर डिग्री के साथ साथ आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही साथ 10 सालों का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है या आप कोई आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल आप होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो ये है आपका तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया। आप जो है वन बाय वन हम वैकेंसी यहाँ पर देख लेते हैं, तो काफ़ी सारी वैकेंसी जो है मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है एंड यहाँ पर जो है चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे सुन्नी थियोलॉजी। सो यहाँ पे जो है जिस भी सब्जेक्ट से आपने अगर मास्टर डिग्री एंड नेट एंड सेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंकों के साथ होनी चाहिए एंड एमएड जो है यहाँ पर आपकी 55% अंकों के साथ होनी चाहिए, या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एजुकेशन में तो पोस्ट ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए और बीएड या बीएलएड आपकी 55% अंकों के साथ होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है आपकी यहाँ पे इसके साथ साथ आपके पास नेट यानी कि नेट आपने जो है नेट या स्लेट या सेट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। नाउ आप जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के लिए। रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ए डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी कंपलसरी है एंड डिज़ायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 4 वैकेंसी है। यहाँ पे जो है आपका 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो आपने एमफिल किया हो या पीएचडी किया हो मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो ये केमिस्ट्री में भी है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ में भी है यहाँ पर वैकेंसी प्रोफेसर की, एंड यहाँ पर जो है जो मेडिकल है उस डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर जो है वैकेंसी है, एंड यहाँ पर जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है वैकेंसी है, एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं पीएचडी कंपलसरी है, ये तो प्रोफेसर के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आप देख सकते हैं जियोग्राफी में भी वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड प्लांट प्रोटेक्शन एंड फिजिक्स एंड बोटनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी स्ट्रीम्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एंड यहाँ पर जो है आप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो था वैकेंसी, ठीक है। काफ़ी सारी वैकेंसी है माइक्रोलॉजी एंड सर्जरी पैथोलॉजी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है अटैच करने हैं और यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आपको जो है 30 अगस्त 2020 से पहले बाय पोस्ट या बाय हैंड आप जमा करा सकते हैं। सो यहाँ पर जो है जो फीस है आपकी आवेदन फीस वो 500 रुपये है। मैं आपको दिखा देता हूँ 500 रुपीज़ यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है किसके नाम से, जो पेएबल होगा फाइनेंस ऑफिसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AMU ब्रांच, ये ब्रांच कोड है। एंड ड्यूली फिल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है विद डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पर भेजना है, यहाँ पर भेजना है रिसेप्शन काउंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं बाई हैंड, और बाई पोस्ट अगर आप भेजेंगे टू द जॉइंट रजिस्ट्रार टीचिंग सेलेक्शन कमेटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 202002, ये पिन कोड है। 30 जुलाई यहाँ पे दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ एक्सटेंशन 31 अगस्त तक आपको यहाँ पे बाय पोस्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फेसबुक पर आप इसको शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है थैंक यू, धन्यवाद।